अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फैजान, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल फन विद फैजुबिया। मैं आपको एक एडवेंचर से भरपूर वीडियो दिखाऊंगा कि आपने अक्सर फिल्मों में हीरोज को देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको एक रियल हीरो दिखाऊंगा जो असल में हमारी सोसाइटी का हीरो है, और मुझे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि असल में जो हीरोज होते हैं ना वो ये होते हैं। तो अभी देखिए, बिल्डिंग के जो आपको पता है वो एक जॉब्स होती हैं, हर बंदा अपने रोजगार के लिए काम करता है। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्डिंग्स के शीशों को नीट एंड क्लीन करते हैं ताकि रहने वाले जो उसके अंदर रहने वाले होते हैं उनकी हौसला अफजाई की जा सके, उनको अच्छा माहौल दिया जा सके। तो ये असल में हमारे हीरो हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और इसमें आप लोगों के पैगाम है कि जो लोग ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं, जिनको लगता है ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, वो इनको देखें। असल में ये है वो हमारे जिसको कहते हैं ना मोटिवेशन। तो मेरे लिए तो ये असल में मोटिवेशन है। जब भी ज़िंदगी मुश्किल फील होगी या मुझे लगेगा ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, तो मैं इस भाई को याद करूँगा। तो मेरी लाइफ में जब भी मुश्किल आएगी तो मैं इस भाई की बातों को या इस भाई के काम को याद करूँगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। एक वो अंदर से होता है ना यार कि ज़िंदगी में घबराना नहीं चाहिए, तो वो चीज़ मुझे इससे मिली है। तो चले मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा, बड़ी अच्छी वीडियो है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, ये देखो मैं अभी भाई से बात भी करता हूँ, ये माशाल्लाह मेरे मुल्क से ही है। तो भाईजान कैसा लगता है ये जॉब करके? अच्छा। जो लोग अपनी जिंदगी से मायूस होते हैं उनके लिए क्या पैगाम है? हाँ? जो लोग अक्सर अपने काम की वजह से मुश्किल वो कहते हैं ना कि मायूस हो जाते हैं, ये काम बड़ा मुश्किल है, तो माशाल्लाह असल हीरो आप हो। मैं तो कह रहा था आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। नहीं नहीं, काम कोई मुश्किल नहीं है। तो लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए? तो मुश्किल नहीं है, लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए ना? नहीं, मायूस नहीं होना चाहिए। कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हो? कितने अरसे से आप काम कर रहे हो? ये आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? 3 साल। वाह, देखे यार भाईजान 3 साल से काम कर रहे हैं। असल में मैं यही कह रहा था ना आपको, ये लोग असल में हमारी सोसाइटी में हीरोज ये हैं। जो फिल्मों में होते हैं ना वो तो सिर्फ एक शूटिंग होती है, असल काम तो ये करते हैं। तो मैं रहा नहीं गया, मैंने देखो विंडो खोल कर ला के, मुझे ऊंचाई से बड़ा डर लगता है, लेकिन मैंने खोल के भाई से कहा यार इनसे थोड़ी सी बात कर दे। भाई कुछ चाय शाय बनवाओ आपके लिए? नहीं नहीं शुक्रिया। ठंडा पानी? नहीं नहीं नहीं, बिला तकल्लुफ यार। शुक्रिया। चाय पानी कॉफ़ी कुछ भी? कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस दुआ करें अल्लाह ताला की और हमारी हिफाजत करें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह ताला आपकी फैमिली का ख्याल रखे, और आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला इसको आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, और खुश रहें भाई जान। टाइम थोड़ा बता दीजिएगा? वो टाइम भाई जान हो गया 10:30 हो गए हैं। ओके, थैंक यू। ओके, 12 बजे रेस्ट टाइम होता है ना वो। अच्छा अच्छा, अभी 10:30 हुए हैं। अच्छा, मैं आपकी मर्ज़ी से वीडियो बनाइए, कोई मसला नहीं है ना आपको? नहीं नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, मैंने कहा चले ठीक, बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू। को पानी चाहिए हो तो बताइएगा। नहीं नहीं, शुक्रिया। ये देखो, आज मैं ऑफिस में बैठा था तो मैंने एक देखा, तो आप लोगों से सोचा शेयर करता हूँ कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से इतने मायूस होते हैं, कहते हैं जी अल्लाह ताला ने हमें बड़ी आजमाइश में डाला हुआ है, हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल हैं, बड़ी टफ़ है, हमें रोज़ी कमाने में मुश्किल हैं। तो ये देखें असल में ये लोग देखें कितनी मुश्किल जॉब है इनकी। इनको देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई, बड़ा डर भी आया दिल में। और ये देखें कि मैं 25वें फ्लोर के, ये 25 मंजिला बिल्डिंग के 18वें फ्लोर पर बैठा हूँ, और ये लोग देखें कि बिल्डिंग के शीशे साफ कर रहे हैं। असल में ये लोग जो है ना, ये हमारे मुआशरे के हीरो हैं। ये लोग वो हैं जो मेहनत करके, बड़ी मेहनत के बाद अपनी कमाई करते हैं। इनको असल में ये हक हलाल की कमाई खाते हैं। तो मेरा दिल इतना खुश हुआ इनकी, हालांकि ज़िंदगी देखे ख़तरे में है, खुदा ना खासा वो वाकया हो जाए, लेकिन क्योंकि बेशक इसमें हफाजती मेजरमेंट का बड़ा ख्याल रखा जाता है, लेकिन ये देखे कितनी मुश्किल जॉब है कि कम अज़ कम मेरे जैसा या मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी जॉब नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग देखे कितनी बहादुरी के साथ ये जॉब कर रहे हैं। तो असल में मुझे देख के इनको बड़ी खुशी हुई। मैं चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर करूँ कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में मायूस हैं या जिनको लगता है कि यार ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, इनसे ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो सकती। असल में इन लोगों की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये पैगाम देना था या आपको ये बताना था कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, अपने आप को शुक्र करने वालों में और सब्र करने वालों में शामिल कर लीजिए, तो आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त हो जाएगी। ये लोग भी मेहनत करके कमा रहे हैं, तो आप लोग भी अगर मेहनत करके कमाएँ तो मेरा ख्याल है कि आप भी बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो ये देखें, अब मैं आपको बताया था, ये देखें अब सपने,
ये पाइप वगैरह के साथ इन्होंने अटैच किया और ये शीशे साफ़ करेंगे, क्योंकि इनकी ड्यूटी है शीशे वगैरह साफ़ करते हैं। तो असल में मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी के असल रियल हीरोज़। फिल्मों में तो हम बड़ा देखते हैं, लेकिन असल में मुझे जो लगता है जो रियल हीरोज़ हैं ना वो ये हैं जो एडवेंचर लोग पैसे लेके इस तरह के काम से किया, ऊंचाई पे जाते हैं और ये पैसा कमाने के लिए। तो मतलब ये लोग सच में यार, मैं इन लोगों से बड़ा ज़्यादा मुतासर भी हुआ और मुझे बड़ी दिल से खुशी हुई। मैं चाह रहा था कि आप लोग भी मेरे साथ इनको अप्रिशिएट करें, आप भी कमेंट में बताएं कि जो लोग अगर आप अपनी ज़िंदगी में मायूस हैं या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल है टफ है, तो इनको देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला के दिए पर राज़ी रहना और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो आप भी कोशिश कीजिए, अपने आप को सब्र वालों में शुक्र वालों में ऐड कीजिए अपना। और मैं एक दफ़ा फिर इन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी हफाजत को यकीनी बनाए, अल्लाह ताला इनकी हफाजत फरमाए, इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे और इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए। आप भी कमेंट में बताइएगा क्या आपकी ज़िंदगी इनसे ज़्यादा मुश्किल है। मैं जो आपको बता रहा था, तो ये देखें अभी ये पानी के साथ इसको साबुन लगा के शैम्पू वगैरह सोप वगैरह के साथ ये शीशे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो ज़बरदस्त, ये हमारे हीरो हैं जी, असल में हीरो यही है। मैं इनको तहे दिल से सलाम करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना ये काम ईमानदारी से कर रहे हैं, बहादुरी के साथ कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे, आमीन। जज़ाकअल्लाह। आपने देखा और आपको मैंने सारा सीन भी दिखाया, मनाजर भी दिखाए कि इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी टफ, रियली टफ। मतलब मेरी जॉब, अगर मैं अपनी जॉब की बात करूँ, सेल्स में मैं जॉब कर रहा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, कंप्यूटर में बैठा हूँ, एसी चल रहे हैं, पुरसकून माहौल है, मतलब कि वो वाली कोई ऐसी वैसी टेंशन नहीं है। लेकिन आप देखें कि ये लोग धूप में काम करते हैं और फिर इनका दिल कितना बड़ा होता है, मतलब कि अपनी फैमिलीज़ को कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए ये लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो मैं पीछे वालों को भी ये दरख्वास्त करूँगा कि परदेश में बैठे लोगों की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि उनकी फैमिलीज़ उनको कॉल करें, मैसेज करें और पूछे कि आपकी लाइफ कैसी जा रही है, आपने खाना खाया नहीं खाया, तबीयत से ठीक है। लेकिन परदेश में मैं भी रह रहा हूँ तो इस तरह के मैसेज देखने को कम मिलते हैं। जो देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, वो ये मिलता है, कॉल आती है कि भाई फलां बंदे की शादी आ गई है, इतने पैसे भेज दो, फलां बंदे की बर्थडे आ गई, इतने पैसे भेज दो, हमने कपड़े लेने हैं। लेकिन मैं सच में बता रहा हूँ, परदेश में बैठे लोगों की बस यही ख्वाहिश होती है कि उनके घर से फ़ोन आए, उनकी माँ, उनके बाप, उनका भाई, उनकी बहन, बीवी, बच्ची, और उनसे ये पूछें आपकी सेहत कैसी है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि देखिए ज़िंदगी में जो लोग बाहर आ जाते हैं इसका मतलब ये नहीं होता पैसे दरख्तों पे लग जाते हैं, उनकी लाइफ बड़ी मुश्किल होती है। अपना और अपने परदेशियों का ख्याल रखें और उनसे ऐसी डिमांड ना किया करें वो जो पूरी करने उनके लिए मुश्किल हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।